हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सबके स्वागत है मेरे और आपके चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम और इस चैनल का नाम है सैरीफुल मिर्जा। तो दोस्तों, आज के ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हमारे बीच आज आ रहे हैं आप लोगों का जाना पहचाना यूट्यूबर नगारी एंटरटेनमेंट यानी दिल डाल जी। तो दोस्तों, ये वीडियो बिना स्किप कीजिए पूरा देखते रहिए, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज हमारे बीच आए हुए हैं बिल्डर जी यानी नागारी एंटरटेनमेंट जी, और नागारी एंटरटेनमेंट जी को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो नागारी एंटरटेनमेंट जी हमारे जैसे तो छोटे यूट्यूबर नहीं है, ये बहुत बड़े यूट्यूबर है। तो आइए हम इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम ग्रो हो सके और ये किस तरह से ग्रो हुए है, तो इन कुछ चीज़ हम इनसे जानना चाहेंगे। तो आइए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली मेरा हिंदी थोड़ा ठीक नहीं है यार, आप लोग समझते ही होंगे ये असमीज, अगर असमीज पीपल हिंदी बोलेगा कैसा होगा, थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा दिक्कत होता है, दिक्कत में दिक्कत बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो यहाँ पर न्यू क्रिएटर मिटाम हो रहा है, तो सब लोग आए हैं यहाँ पर, सब न्यू क्रिएटर है, तो मैं भी न्यू हूँ। तो यहाँ पर आके बहुत मजा आया, सब लोग बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, सब लोगों का दिल में होप है कि मन में ऐसा है कि हम लोग यूट्यूबर ही बनना है, बनना हाँ। सब लोगों के हाथों में कैमरा है, सब लोगों के हाथों में मोबाइल है, मोबाइल उठा के सब लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा है कि मैं भी बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं जितना यूट्यूबर मेरा जितना एक्सपीरियंस है, एक्चुअली मेरा पिछली एक डेढ़ सालों से जितना एक्सपीरियंस है मैं उतना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो आप लोगों को शायद दिक्कत होगा कि हिंदी समझने में, मैं थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ हिंदी कोई नहीं समझ देंगे, जो हमारे व्यूअर्स है वो समझ जाएंगे आपके बातें। अच्छा, तो मैं सवाल आपसे जानना चाहूंगा, जो आपका चैनल का नाम है नागारी एंटरटेनमेंट, ये आपने क्यों इस नाम को क्यों चुना? एक्चुअली नागारी इज माई टाइटल। एक्चुअली पहले मैं कॉमेडी वीडियो बनाया था, दो साल कॉमेडी वीडियो बनाया था, लेकिन मैं एलएलबी का स्टूडेंट हूँ, सो इसलिए टाइम देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, सो इसलिए वो कॉमेडी वीडियो सारे का सारे डिलीट कर दिया और प्राइवेट कर दिया, लेकिन और नागारी मेरा टाइटल है और एंटरटेनमेंट ऐसे ही रख दिया नागारी एंटरटेनमेंट। तो आपने यूट्यूब चैनल किस लिए चुना? यूट्यूब चैनल एक्चुअली मैं पहले फेसबुक में बहुत बिजी रहते थे, और मैं मेरा हॉबी था, मैं मैगजीन न्यूज़पेपर में लिखना मेरा हॉबी था मेरे, सो उसके बाद मैं फेसबुक में नया फीचर आया फेसबुक लाइव आने का, अब वीडियो अपलोड करने का, तो मैं फेसबुक में लाइव आता था और वीडियो भी अपलोड करता था। इसके बाद मैं सोचा फेसबुक में या फेसबुक से यूट्यूब में वीडियो अपलोड करना शुरू करूँ तो बहुत मजा आएगा, और मेरा भी बहुत सारे फ्रेंड है, जैसे मैं उन फ्रेंड का नाम भी लेना चाहता हूँ, इमरान हामिद, सोफी गोल, सुप्रिया, ये सबने मुझे बताया कि तो काम कर, तो फेसबुक शोर और यूट्यूब में वीडियो देना शुरू कर दे। सो मैं एसएमएस जो बर्निंग टॉपिक्स है, मैं वो बर्निंग टॉपिक्स को लेकर मेरा ओपिनियन देना शुरू कर दिया, ऐसे ही मैं यूट्यूब में आ गया। तो हमारे व्यूअर्स जो है, व्यूअर्स को आप थोड़ा बोले कि हम क्या करें जिससे हम थोड़ा ग्रो हो सके। सो एक्चुअली बात यह है कि यूट्यूब में मेरा एक लाइन है, एक्चुअली मैं ये सबको बोलता हूँ, नए यूट्यूबर जो है सबको ये बोलता हूँ, इफ यू हैव कॉन्फिडेंस देन यू विल बी सक्सेस, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। ये हर वक्त आपको दिमाग में ये रखना चाहिए कि आई विल सक्सेस, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। अगर आपके पास ये है ना कॉन्फिडेंस है ना, तो आप सक्सेस जरूर हो गए, वो इमीडिएटली ना हो पाएगा, लेकिन मैंने डेफिनेटली ये होता है कि डेफिनेटली आप सक्सेस होगा ही होगा। तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई हमें, थैंक यू, मेरा भी बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हम अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।